रुबीना जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इस तरह का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आपको पता चला सबसे पहले इस तरह की स्क्रिप्ट है, इस तरह का प्रोजेक्ट है, सबसे पहला क्या था आपके मन में थॉट प्रोसेस? यस, मुझे करना है ऐसी अच्छी फिल्म। बहुत ही कम बनती है और ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स, ओरिजिनल ऑथेंटिक कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं आज के समय में अगर हम देखें तो। मुझे ये मौका और मुझे ये फिल्म पूरी शिद्दत से करनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर अपना यहाँ पर 200% दूंगी तो लोगों तक मेरी जो एक चाह है फिल्म्स करने की, अच्छी फिल्म्स करने की, वो उन तक पहुँचे। यस, हमने कई बार देखा है जिस तरह आपने बिग बॉस हो जाए या फिर शक्ति जैसे इतने बड़े किरदार और अब पंजाबी इंडस्ट्री में, सो ऐसा लगता है कि यू वांट टू एक्सप्लोर मोर इनटू, एज एन एक्टर यू वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स? एब्सोल्युटली। देखिए, एक कलाकार की ना सीमा नहीं होती है और मेरा जो दायरा है वो मैं बढ़ाना चाहती हूँ और मुझे पंजाबी फिल्म्स शुरू से बहुत पसंद थी। आप इनके सब्जेक्ट्स देख लो, बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। आप स्टोरीज देख लो, ओरिजिनल होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे खुद एक्सपीरियंस करनी है और मैं आगे भी एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करूँगी। उसके लिए एक मुझे करेक्ट पाथ चाहिए था एंड चल पत चलिए केम टू मी एज द फर्स्ट ओपनिंग डोर। तो मैं बस पहला कदम रखा और इस विश्वास के साथ कि लोग इसे अपनाएंगे और सराहेंगे जैसे वो हमेशा से मेरे हर काम को सराहते हैं। और मैंने मेहनत की है ना सिर्फ यू नो पूरे स्केड्यूल में, बट मेरे लिए पंजाबी जो है इतना आसान नहीं है पंजाबी में फ्लुएंट होना, तो इसलिए वर्कशॉप्स, सीन पे जाने से पहले 7 से 8 बार पूरी रिहर्सल्स, मेरे साथ एक डेडिकेटेड पंजाबी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे जो मेरे लिए हर सीन को कट करके, ब्रेक करके, मुझे एक्सप्लेन करके हर शब्द को एक प्रॉपर टेक पर टेक लेते थे बिफोर वी कुड यू नो गो ऑन द सेट्स एंड डू द एक्चुअल थिंग। सो ये छोटा छोटा पैच वर्क जो हमने किया है और कलेक्टिव होमवर्क जो हमने किया है, इट्स रियली टुक अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी। क्विकली एक सवाल पूछना चाहूँगा, इन फ्यूचर अगर आपको रोमांस करना हो, गिप्पी गरेवाल या दिलजीत दोसांझ, दोनों में से कौन से कलाकार के साथ आप रोमांस करना चाहोगे? मैं दोनों के साथ, आई वुड वांट टू रोमांस देम ऑन स्क्रीन एंड इट, मतलब वो कहते हैं ना कि गिप्पी गरेवाल के साथ सम मस्ती एंड कॉमेडी एंड दिलजीत दोसांझ के साथ रोमांस एंड सम वेरी, वो बोलते हैं ना हार्ट रेंचिंग सीन। तो ये दो चीज़ें बहुत विविडली जब मैं अपने आप में यू नो सोचती हूँ कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू यू नो पोर्ट्रे इन ए पर्टिकुलर यू नो कैटेगरी ऑफ फिल्म और ये मैं करना चाहूँगी, तो इन दोनों के साथ मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ विजुलाइज की है कि जब ये वाला मौका देगा तो दीज आर द टू इमोशंस विद गिप्पी गरेवाल एंड विद दिलजीत दोसांझ दैट आई वांट टू रियली। एज वी कैन सी यू एक्सप्लोरिंग थिंग्स इन पंजाब, व्हाट अबाउट साउथ? बिकॉज़ आज के टाइम पे साउथ इज वेरी हाई। एब्सोल्युटली। सी द ये इंडिया की खूबसूरती है वर्सेटाइलिटी और पंजाब से लेकर साउथ, आप जितने भी रीजनल्स देख लीजिए, दे आर रीचिंग वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ फिनोमिनल। एंड ऑफ कोर्स इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी वर्किंग डाउन साउथ, नथिंग लाइक इट, आई मीन लाइक खुले दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मैम रुबीना, मैम लुक हियर, मैम लुक हियर, तो पीछे पीछे थोड़ा पीछे जो रुबीना जी सेंटर लुक। मैम एक बार पोस्टर की तरफ खाली हाथ दिखा दीजिए। हाँ, पंजाबी कुड़ी। हाँ मैम, एक फोटो।